देखिए इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा ही बल्लेबाज प्रधान देश रहा है, क्योंकि इस देश ने हमें गावस्कर से लेकर सचिन, फिर सौरभ, द्रविड़, लक्ष्मण और सहवाग, गंभीर, युवराज जैसे बल्लेबाज दिए, और उसी विरासत को आगे लेकर गए हैं मौजूदा समय के दो बल्लेबाज जो इस साल शायद अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। नाम तो आप जानते ही हैं, किस किस की बात कर रहा हूं मैं। हेलो, रोहित शर्मा और विराट कोहली, और इस वीडियो में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का करियर, खासकर T20 करियर कैसा रहा, और साथ ही दिखाएंगे दोनों के बीच T20 में दर्ज की गई 3 बेस्ट पार्टनरशिप भी। तो विराट और रोहित के फैंस, वीडियो में हाजिरी लगाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं रौनक, देख रहे हैं आप क्रिको। और अनुभव के हिसाब से पहले बात हम करेंगे रोहित शर्मा की। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने T20 में डेब्यू किया और अपनी डेब्यू पारी में आग लगा दी। 20 साल के रोहित शर्मा ने उस टाइम पे क्या धोया है। किस किस को हिटमैन की वो पारी याद है, हेलो, जिसको हो गए 16 साल। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले रोहित इस साल अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और इस दौरान रोहित शर्मा ने भारत के लिए 148 T20 मुकाबले खेले हैं। 14 महीने बाद भारतीय T20 टीम में वापसी करने वाले रोहित ने 139 की स्ट्राइक रेट से और 30 से ज्यादा की एवरेज से अपने करियर में 3853 रन बनाए, और इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड 4 शतक भी जड़े हैं। ये वाला आंकड़ा बस 6-7 तक पहुंच जाए एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 4 शतक के अलावा हिटमैन ने अपने T20 करियर में 29 बार 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया है। रोहित के आंकड़े किसी भी बॉलर की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, और उनके आंकड़ों की सबसे खास बात यह है कि T20 में जीते हुए मैचों में रोहित के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा रन है। रोहित ने T20 फॉर्मेट में 3853 रन में से 3039 रन जीते हुए मैचों में बनाए हैं, और दुनिया में उनसे ज्यादा रन T20 क्रिकेट में जीते हुए मैचों में किसी और प्लेयर ने नहीं बनाए। तो रोहित फैंस तो इस आधार पर उन्हीं को T20 का बेस्ट बल्लेबाज मानेंगे, है कि नहीं। लेकिन रुको जरा, सबर करो, अभी कोहली की बात बाकी है। तो भैया, क्रिकेट के मैदान पर बनी 22 गज की पट्टी के किंग विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में भारत के लिए 2010 में डेब्यू किया था, और तब से वो 115 मैचों में भारत के लिए 4000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 37 अर्धशतक शामिल है। सबसे खास बात यह कि कोहली का एवरेज 50 के पार है। जीते हुए T20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली रोहित के बाद दूसरे नंबर पर है। जीते हुए मैचों में विराट का आंकड़ा कुछ ऐसा दिखता है, 2799 रन, 68 प्लस का औसत और करीब 140 का स्ट्राइक रेट। यहां कोहली का औसत रोहित से बेहतर है। अब देखिए, पिछले 10 सालों में रोहित और विराट का T20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन कैसा रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे वक्त से टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम के लिए काफी योगदान दिए। रोहित शर्मा मौजूदा वक्त में तीनों फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल रहे हैं, जबकि बल्ले से कोहली का भी योगदान जारी। बीते 10 सालों में रोहित शर्मा ने कुल 313 इंटरनेशनल मैच खेले। इन मैचों की 342 पारियों में उन्होंने 46.4 की एवरेज से कुल 14000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 41 शतक, 73 अर्धशतक। वहीं इस दौरान इनके बल्ले से कुल 1408 चौके और 479 छक्के भी लगे। वहीं विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में 359 इंटरनेशनल मैच खेले। इन मैचों की कुल 410 पारियों में 56 से ज्यादा की एवरेज से 19000 के करीब रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 57 शतक और 98 अर्धशतक लगाए। बीते 10 सालों में विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक रन बनाए हैं, और इस दौरान उनके बल्ले से कुल 1911 चौके और 242 छक्के भी निकले। तो बताइए, आपके हिसाब से कौन है बेटर बैटर? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वैसे महानता को तय करने के लिए खिलाड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता ही मेन फैक्टर होता है, यानी कंसिस्टेंसी। जैसे कि हमने कई बार देखा है, विराट कोहली ने कई मौकों पर मैच अपने दम पर फिनिश किया है। 31 T20 पारियों में नॉट आउट भी रहे हैं, मगर स्ट्राइक रेट के आधार पर यहां रोहित शर्मा 139 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है और कोहली का 137 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, यानी रोहित से इंपैक्ट की तुलना में और कोई नहीं। वैसे फैंस शायद दोनों ही बैटर्स में से बेहतर कौन है इसमें कोहली का नाम ले, मगर सच्चाई तो यह है कि रोहित के इंपैक्ट से मैच का पूरा मूड बदल जाता है, और जब रोहित का इंपैक्ट काम नहीं आता तो मोर्चे पर किंग कोहली नजर आता है। मगर जब हिंदुस्तान के दो आंख के तारे एक साथ क्रीज पर होते हैं तो बॉलर्स कहते हैं, देवारे देवा, यहां मार खाने के लिए आया है क्या अपुन। विराट और रोहित ने एक साथ कई T20 मैचों में विरोधी गेंदबाजों की धुनाई की है और एक से बढ़कर एक पार्टनरशिप लगाई है, जिसमें से T20 में खेली गई दोनों की 3 इंपॉर्टेंट साझेदारियों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल 2 अक्टूबर 2015, 138 रन की यह पार्टनरशिप। शिखर धवन 3 रन पर ही अपनी विकेट खो दिए थे। इसके बाद कोहली क्रीज पर उतरे और रोहित के साथ 138 की पार्टनरशिप की। विराट ने 27 में 43, जबकि शर्मा ने 66 गेंदों में 106 रन बनाए। भारत ने 20 ओवर में 199 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, लेकिन अंत में यह मैच 7 विकेट से भारत हार गया। खैर, पार्टनरशिप नंबर 2 की बात करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में शानदार पार्टनरशिप की। मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की, पहली पारी में 129 रन बनाए। शिखर धवन ने रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की। धवन बिना कोई रन बनाए हालांकि आउट हो गए। फिर विराट और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 106 की पार्टनरशिप करी। रोहित शर्मा ने नॉट आउट 62 बनाए, जबकि कोहली ने 54। अंत में भारत ने 20वें ओवर में यह मैच 7 विकेट से जीता। थर्ड पार्टनरशिप रोहित और विराट के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में की गई साझेदारी को कौन भूल सकता है। KL राहुल के एक ओपनर के रूप में लगातार फेल होने के बाद उस मैच में कोहली ने रोहित शर्मा के साथ पारी को ओपन किया और इंग्लैंड का सिस्टम शट डाउन कर दिया। दोनों ने 94 की शानदार पार्टनरशिप करी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को तारे दिखा दिए। दोनों ने सिर्फ 9 ओवर में मिलकर 94 बनाए। रोहित शर्मा ने 34 गेंदों में 64
64 जिसमें 5 छक्के और 4 चौके थे, और विराट ने 54 गेंदों में 80 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। तो ये थी विराट और रोहित की T20 क्रिकेट में खेली गई मेरे हिसाब से 3 बड़ी साझेदारियां। और हर फैन जानता है कि इस बार भी अगर रोहित और विराट ने ऐसे कारनामे दोहराए तो T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाज होते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले चैनल बोले तो क्रिको को सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखकर तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। जय हिंद।